मध्य प्रदेश के मंदसौर में कल दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण का मामला सामने आया। पूरा मामला रविवार की दोपहर का है, जब पूरा जिला लॉकडाउन था। उसी दरमियान मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा देव डूंगरी निवासी युवक का टवेरा कार में बैठे लोगों ने अपहरण कर लिया। मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण का मामला सामने आया। पूरा मामला रविवार की दोपहर का है, जब पूरा जिला लॉकडाउन था। उसी दरमियान मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा देव डूंगरी निवासी युवक सुनील का एक टवेरा कार में बैठे लोगों ने अपहरण कर लिया। सुनील अपने साथी विजेश के साथ बाइक से किसी कार्य से जा रहा था, तभी बाइक को ओवरटेक करती हुई कार आकर खड़ी होती है और उसमें से कुछ लोग सुनील को चाकू की नोक पर उठाकर कार में अपहरण कर फरार हो जाते हैं। साथ ही विजेश की सूचना पर मल्हारगढ़ थाना पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर अन्य थानों पर वायरलेस से सूचना दी। पुलिस की मुस्तैदी से कुछ ही दूरी पर कार और अपहृत सुनील को छुड़ा लिया। मामले में पुलिस ने कार में 10 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला पति पत्नी के बीच तलाक में हुए समझौते के रुपयों से जुड़ा हुआ है। दरअसल अपहृत सुनील की पत्नी हंसाबाई को 5 साल पहले अपने पहले पति राधेश्याम ने तलाक दे दिया था। इसके बाद हंसाबाई ने दूसरी शादी सुनील से कर ली। हंसाबाई के पहले पति राधेश्याम ने भी दूसरी महिला से ब्याह रचा लिया, लेकिन हंसाबाई के बीच तलाक में रुपयों की लेन देन की बात उलझी हुई रह गई। यह पैसा अब हंसाबाई के दूसरे पति सुनील को देना था। सुनील यह पैसा नहीं दे पाया, लिहाजा हंसाबाई के पहले पति राधेश्याम ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनील का अपहरण कर लिया। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के कारण आरोपी अपहरणकर्ता को ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मल्हारगढ़ थाना पुलिस ने अपहरण के मामले में टवेरा कार में सवार 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। साथ ही टवेरा कार को जब्त कर लिया गया। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। सर जब वो अचानक आए, गाड़ी सामने लगाई, हम 3 आदमी थे, उसके बाद धीरेज विजय और मैं सुनील चौहान तेरी खड़े थे। बाइक आगे गाड़ी आगे लगाई टवेरा, उसके बाद में मेरे को रोका और 5 आदमी नीचे उतरे, उसके बाद मेरे को पकड़ लिया। एक भोलीराम ने बताया था उसका नाम, जो उसने चाकू लगाया मेरे सीने में कि अंदर बैठ, तुझे झगड़ा मांगते हैं। मैंने बोला काहे के लिए, कि तुझे झगड़ा मांग ले, मेरी पत्नी पहले वाली पत्नी को तू लेके आया। मेरे को मैंने फैसला कर लिया है बाल्डा गुनासपुरा से पहला तलाक नामा और जो मेरे समाज में बोलते हैं कागली, जो उसको तो मैंने ले लिया। उसके बाद में मैंने शादी की, जब जांच पात करके तो उसने बोला नहीं मैं मांगता हूँ ना, तू उठा के लेके जाएंगे, और गाड़ी में डाल दिया मैंने पकड़ के। फिर लेके गए तो उसमें 10 आदमी थे गाड़ी में, तो आए तो फिर रास्ते में बोल देते तू पैसा फ़ोन लगा के बोल के पैसा मंगवा लेते तो ये जान से मार देंगे, और धमकी भी दी कि कोई भी चिल्ला चोर की तो गाड़ी में तो तूने जान से मार के नीचे फेंक देंगे, ऐसा करा। और उसके बाद में जिरन जाके पुलिस सामने आ गई थी, और उसके बाद में उन्होंने बोला गाड़ी रुकवाई इनकी पुलिस वालों ने। उसके बाद में मैंने बोला उनसे कि मैं उतरने दूँ मुझे, वो बोले कि नहीं तू नहीं उतरेगा। मैंने बोला चिल्लाऊँगा मैं, उसके बाद में मैं उतर गया। उसके बाद सर ने बोल दिया, मैंने सर से बोल दिया सर मेरे को किडनैप करके ले जाए। शाम को 3 बजे 3:15 बजे सूचना आई थी अंडर डायल पे कि किसी का किडनैप हो गया है, एक लड़के को जो है टवेरा सफ़ेद रंग की टवेरा में उसको किडनैप करके ले जा रहे हैं और मंदसौर तरफ गाड़ी भागी है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर 100 डायल तत्काल वहाँ रवाना हुई और उस व्यक्ति से मिली वहाँ पर, तो वो व्यक्ति दो व्यक्ति वहाँ मोटरसाइकिल के साथ मिले घटनास्थल पर बरखेड़ा देव पर रोड पर। उनका कहना है कि हमारा दोस्त जो पीछे बैठा था मोटरसाइकिल पर सुनील चौहान जो बरखेड़ा देव का रहने वाला है, उसके पास हम मिलने आए थे, तो उसके साथ हमको एक किशन नाम के बावरी आदमी ने चंदवासा बुलवाया था काम के सिलसिले में, हम लेबर का काम करते हैं, तो वहाँ गए तो उनका बोला कि शाम को आना, तो हम वापस जा रहे थे। पीछे से एक टवेरा आई और मेरे दोस्त को जो है सुनील चौहान को गाड़ी में हमारे को चाकू अड़ाया और गाड़ी में डाल के ले गए और मंदसौर तरफ गाड़ी भागी, तो हमने तत्काल 100 डायल को सूचना दी। इस सूचना पर जो है तत्काल मेरे द्वारा जो है साइबर सेल से मदद लेकर गाड़ी की लोकेशन ली गई, सुनील का मोबाइल पर कॉलिंग की गई, उसकी लोकेशन जीरन तरफ मिली, जीरन पुलिस को तत्काल संपर्क किया गया तो उनको जो है गाड़ी बाहरी जीरन थाने के बाहरी रुकवा के और पकड़ ली गई और सुरक्षित जो है अपर
अपहर्ता को सुरक्षित निकाला गया और आरोपियों को तत्काल वहाँ पर हिरासत में ले लिया गया, गाड़ी भी हिरासत में ले ली गई। टोटल 10 आरोपी है, एक सफ़ेद रंग की टवेरा गाड़ी है, राजस्थान पासिंग है, चित्तौड़गढ़ के आरोपी हैं सभी। और इनका पत्नी, पहली पत्नी का जो इसका जो झगड़े के पैसे के लेके ऊपर अपहरण का किया गया था इसका, और 365 अपहरण की धारा में जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।